हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी जायका। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो पेड़ा। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये आम लिया है, तो इसका जो अंदर वाला जो पल्पी हिस्सा है उसको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से मैं इसमें कट लगा के इस तरह से इसको अंदर वाला हिस्सा अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये सारा अंदर वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया और इसको ग्राइंडर में डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। इस तरह से ये पेस्ट अपना तैयार हो गया। इधर कढ़ाई में 2 चम्मच घी लूँगी मैं, उसको थोड़ा सा गर्म करके और इसमें डालूँगी मैं 1 कप दूध और डालेंगे 8 से 10 रेसे केसर के। इसको चलाते हुए दूध गर्म करना है और थोड़ा सा इसको थिक भी कर लेना है, देखिए इस तरह से। और अब डाल दूंगी मैं जो मैंगो पेस्ट बनाया था अपन ने, इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। यहाँ डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आम भी मीठा होता है, तो उसी हिसाब से आप अपने मेजरमेंट तय कर लीजिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ मिल्क मेड। तो आप मिल्क मेड ना लेके आप मावा भी डाल सकते हैं इसमें, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मिल्क मेड डाल डाल के इसको चला चला के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये काफ़ी गाढ़ा होने लग गया, इसी तरह से लगातार चलाना है इसको, नहीं तो ये नीचे फूड कलर डाल रही हूँ येलो। और इसे डाल देती है इलायची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको लगातार चलाते हुए पेड़े बनाने के फॉर्म में लेके आना है, जिससे कि पेड़ बन जाए। तो यहाँ थोड़ा सा घी डाल के लास्ट कर देती हूँ इसको, इससे इसमें चमक आ जाएगी इन पेड़ों में। और ये अपना तैयार हो गया पेड़े का। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, ये मैंने ठंडा कर लिया है। तो इसके पेड़े बना लेते हैं इस तरह से। आप पेड़े बड़े छोटे कैसे भी बना सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ी सी लगा देंगे हम इलायची पाउडर। ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और जो ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं हम रोज पेटल्स के साथ। सो फ्रेंड्स, अपने मैंगो पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं और ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही खाने में भी हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो शेयर करिए मेरी रेसिपीज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।